स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में देखेंगे ये सेवन क्लास का साइंस सेकेंड चैप्टर प्राणियों का में पोषण का दूसरा पार्ट है ना, पार्ट टू। पार्ट वन में देखे थे मुंह से भोजन अंदर चल गया था आमाशय में, आज आमाशय से पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक, तो चलिए आमाशय कहाँ है, ये रहा आमाशय। आमाशय, आमाशय जिसको इंग्लिश में स्टोमेच कहते हैं, है ना, पेट का जो बड़का वाला भाग जो दिख रहा है वो आमाशय रहता है ना, पेट। आमाशय मोटी भीति वाली एक थैली नुमा संरचना, थैला जैसा, यह चपटा एवं यू आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। सबसे चौड़ा, सबसे बड़ा चौड़ा भाग आहार नाल का यही है ना, पेट, आमाशय। यह एक और ग्रासिका यानी ग्रास नली ई वाला से जुड़ल रहता है, दिख रहा है ना, यहाँ से भोजन आ रहा है, ये भोजन आमाशय में यहाँ पर आ रहा है आमाशय में। ठीक, दूसरी ओर क्षुद्रांत में खुलता है यानी इसका दूसरा छोर छोटी आंत में जाता है। ठीक, आमाशय की आंतरिक सतह जिसे श्लेष्मा झिल्ली कहते हैं, अंदर का सतह को श्लेष्मा झिल्ली कहते हैं। उस श्लेष्मा झिल्ली में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जिसका सूत्र होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है इसमें, है ना, और पाचक रस जिसको जठर रस कहते हैं। ठीक है, जठर रस, तो जठर रस कहाँ निकलता है, तो याद रखिएगा आमाशय में, है ना, आमाशय द्वारा निकलने वाला रस को जठर रस कहते हैं। ठीक, जठर रस है ना, जठर, जठर रस, कठर मत कहिएगा, है कठर रस नहीं, जठर रस। जठर रस कहाँ, तो पेट में, ये आमाशय में मिलता है। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ, तो ये भी आमाशय में। ठीक, हाँ, आगे श्लेष्मा झिल्ली आमाशय की आंतरिक सतह को सुरक्षा भी प्रदान करता है। स्रावित अम्ल अनेक ऐसे जीवाणु को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो ये अम्ल क्या करता है, थोड़ा समझते बढ़िया से, यहाँ अम्ल निकलता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये अम्ल जो है ना, ये अम्ल क्या करता है, यहाँ जो खाएं, जो भी खाना खाएं उसमें आया पेट में, जैसे पेटवा में यहाँ पे आमाशय में आएगा तो HCl क्या करेगा, खाते हैं ना तो उसमें कुछ कुछ कीटाणु भी रहता है, जीवाणु भी, हमको पता नहीं चलता लेकिन हम लोग खा जाते हैं, बहुत छोटे छोटे जीवाणु भी रहते हैं, तो वो सब जीवाणु को ये HCl मार देता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वो जो खाते हैं, जैसे यहाँ गया वहाँ से खोज खोज करके जीवाणु को मार देता है। ठीक, उसके बाद जठर रस जो है, जठर रस, वो जठर रस फिर उसको पचाता है। ठीक, तो HCl पचाता नहीं है, HCl क्या करता है, जीवाणु कीटाणु उटाणु को मार देता है, फिर जठर रस पचाता है उसको। ठीक, तो बच्चों में जो है ना HCl ज़्यादा होता है, या बच्चों में लार भी ज़्यादा निकलता है, मुँह में लार नहीं टपकते रहता, रूमाल बांध देता है छोटा बच्चा में, तो इसीलिए उसमें क्या होता है कि कोनवे खा जाए बच्चा लोग, कुछ भी खा जाता है, जमीन में सूटा के मीठी उटी भी खा जाता है, उन नहीं जानता है का खाने वाला है कि नहीं, लेकिन वो भी पच जाता है। क्यों पचता है, क्योंकि उन लोग में बहुत ज़्यादा लार निकलता है, तो मुँह में बहुत सारे जीवाणु मर जाता है, और जो बचल रहता है वो HCl पेटवा में जाकर मर जाता है ना। तो लार का काम मुँह में भी एक प्रकार का लार होता है, जिसका काम है जीवाणु मारना, और एक प्रकार का लार को का काम है पाचन करना, है ना। तो खैर इसको और डिटेल से अगले क्लास में पढ़ेंगे, उसमें एक एक ठू पढ़ेंगे, इसमें ज़्यादा डिटेल से वो सब पाचक ग्रंथि यानी लार के बारे में नहीं दिया है, खाली भोजन कहाँ कहाँ जाता है और हल्का फुल्का दिया वो कैसे पचता है, अगले क्लास में फिर डिटेल और जानना है, 10 क्लास में, है ना। तो पेट में आया, तो पेट में क्या किया, HCl जीवाणु को मार दिया, जठर रस, जठर रस क्या करेगा, पचाएगा, है ना, देखते हैं जठर रस क्या करेगा। हाँ, यहाँ पे अम्लीय माध्यम पाचक रसों की क्रियान्वित करता है, यह भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट वसा एवं प्रोटीन के जटिल पदार्थ को शरीर पदार्थ में विघटित कर देता है। तो जठर रस क्या करता है, भोजन में जो प्रोटीन खाते हैं या वसा खाते हैं, वसा प्रोटीन ये सबको सरल पदार्थ में तोड़ देता है। ठीक है, प्रोटीन को और वसा को ये पचाता है। कार्बोहाइड्रेट सरल पदार्थ में टूटा था मुँह में, याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट मुँह में पच जाता है थोड़ा सा, और वसा प्रोटीन जो है पेट में जाने के बाद पचता है, पूरी तरह से नहीं पचा है, आगे फिर और पचेगा, है ना। तो प्रोटीन और वसा जो खाए वो जटिल था, उसको थोड़ा नॉर्मल पदार्थ में, सरल पदार्थ में तोड़ेगा, कौन, जठर रस। जठर रस में भी अलग अलग रस निकलता है, खैर अभी उतना नहीं जानना है, सातवें क्लास में सब पढ़ लीजिएगा, तो सातवें क्लास में डॉक्टर बन जाइएगा ना, तभी जतना है उतने जाननी है।
क्षुद्रांत, उसके बाद पेट से कहाँ चलिए, क्षुद्रांत है ना, माने छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। यह आहार नाल का एक महत्वपूर्ण अंग है, ठीक, महत्वपूर्ण तो सब है। देखिए कतरनल लंबा होता है, ये लगभग 7.5 मीटर लंबा, अत्यधिक लंबी अत्यधिक कुंडली नली है, 7.5 मीटर होता है, छोटी आंत बिचुआ वाला है ना, ऐसे 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 कितना मीटर, 7.5 मीटर सोच लीजिए, एक जगह जमा रहता है इसलिए कम दिखता है, लगता है कि 7.5 मीटर यानी आदमी से बेसी लंबा। इसमें भोजन का पाचन एवं अवशोषण दोनों होता है, जिसमें पाचन हो जाता है, जैसे पेट में गया तो वसा और कार्बोहाइड्रेट का, वसा और प्रोटीन का पाचन हुआ, मुंह में कार्बोहाइड्रेट का हुआ था तो वहाँ पूरा तरह से, बार बार बोल रहे थे कि पूरा नहीं पचता है, जो बचल खुचल है वो आकर के छोटे हाथ में पचता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, छोटी आंत में क्या होता है अच्छे से जानते हैं, आइए अब यह जानने के प्रयास करें कि छोटी आंत में क्या होता है। देखिए छोटी आंत की ग्रंथियों से एक प्रकार का रस निकलता है, छोटी आंत में जो रस निकलता है उसको आंत्र रस कहते हैं, आंत्र रस, छोटी आंत से निकल रहा है तो आंत्र रस। इसके साथ ही यह यकृत एवं अग्नाशय पेनक्रिया से भी स्राव प्राप्त करती है, तो छोटी आंत में तो रस निकल भी करता है, उसके साथ साथ पाचक रस लीवर से यानी यकृत और अग्नाशय से भी निकलता है, ठीक है। अग्नाशय यकृत देखे थे ना कहाँ पे, ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए, ये पेट से यहाँ ये छोटी आंत में जा रहा है ये वाला नली में, तो ये छोटी आंत जाने समय ये यकृत हो गया, यहाँ से एक रस यहाँ पे छोड़ देगा और ये पिता अग्नाशय यहाँ से एक रस छोड़ देगा, तो छोटी आंत में पहुँचने से पहले ही 2 प्रकार का रस इसको भेटाता है, यहाँ पे भी पाचन होता है, उसके बाद छोटी आंत में जाता है। चलिए क्षुद्रांत यानी छोटी आंत के आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचना होती है, ऐसा ऐसा, जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं अथवा रसांकुर भी कहते हैं। रसांकुर छोटी आंत की अवशोषण की सतह को बढ़ाती है, तो ये ऐसा ऐसा रहता है, ये नहीं सतह को बढ़ाता है, जैसे कभी कभी जरूरत से ज़्यादा खा गई तो सीधा हो जाएगा, सीधा होगा तो ज़्यादा आटेगा यहाँ, है ना। उसके बाद हाँ, उसके बाद यकृत देखिए, यकृत तो यकृत में भोजन नहीं जाता है, ठीक, लीवर ये इसमें कोनो भोजन नहीं जाएगा, ये खाली रस छोड़ता है ना। तो यकृत देखिए, यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपर भाग में दाहिनी ओर स्थित होती है, दाहिने तरफ रहता है लीवर, है ना, दाहिना तरफ। यह शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ा ग्रंथि कहेगा तो लीवर। यह पीत रस स्रावित करती है, ग्रंथि उसको कहते हैं जिससे रस निकलता है ना, तो ये पीत रस निकलता है जो एक थैली में संग्रहित होता है, इसे पित्ताशय कहते हैं। पीत रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए इसमें समझते हैं, फोटो से ये है यकृत पित्ताशय, इसमें क्या होता है पीत रस निकलता है, ठीक है, क्या निकलता है पीत रस, यकृत से पीत रस निकलेगा। अब ये पीत रस क्या करता है, यहाँ से पीत रस बनता है और पीत रस यहाँ पे एक दिख रहा है हरियर हरियर थैला जैसा, यहाँ पे जमा रहता है, इसको पित्ताशय कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे पित्ताशय में जमा रहता है जो कि बहुत ज़्यादा कड़वा होता है ना, पीत रस ये यहाँ पे जमा रहता है, जैसे भोजन यहाँ आता है वैसे ही यहाँ पे ये रस छूट जाता है, यहाँ पे आ जाता है, भोजन में मिल जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए पेट में देखे थे कि HCl था, अम्ल था, पेट में अम्ल बहुत ज़्यादा था, ये अम्ल भोजन में मिल जाता है। अब ये जो छोटी आंत इधर है, छोटी आंत, ये छोटी आंत का एक समस्या होता है कि अगर इसमें अम्ल पहुंच जाए, अम्ल वाला चीज़ पहुंच जाए तो छोटी आंत उसको पचावे नहीं करेगा, ये कहता है कि हमको अम्ल वाला चीज़ मत देना, खट्टा चीज़ मत देना, हम पचावे नहीं करेंगे। और यहाँ तो अम्ल बहुत सारा निकल गया है पेट में, भोजन में मिल गया है, अब क्या होगा, तो यहाँ से जो पीत रस है ये बहुत ज़्यादा क्षारक होता है, कड़वा, तो ये वाला निकल के और इस अम्ल को दूर कर देता है, इसका अम्लता को दूर कर देता है ताकि आसानी से आगे जाके पच सके, ठीक है। तो ये पित्ताशय जो है छोटा सा थैली होता है जहाँ पे रस बन जमा रहता है, बनता है यहाँ यकृत में और यहाँ जमा रहता है, ठीक है। इसे देखिए मुर्गी उर्गी का देखते होंगे, छोटा सा ऐसा कैप्सूल जैसा रहता है, अगर ये गलती से चिकन में मिल गया
तो पूरा चिकन बर्बाद कर देता है, तीखा हो जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा तीखा होता है ये। तो यकृत का काम क्या है, पीत रस बनाना, रस बना के यहाँ छोड़ देता है थैला में और ये फिर भोजन में मिलता है। ठीक, तो यकृत हो गया। उसके बाद अग्नाशय देखेंगे, तो ये अग्नाशय ये वाला ये दिख रहा है, ये भी भोजन नहीं इसमें आएगा। देखिए तो भोजन थोड़ी आ रहा है, भोजन तो इधर से आया पेट में और नली होते 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 यहाँ यहाँ से इधर, ठीक है, इसमें भोजन आ रहा है। पीताशय में भोजन नहीं आ रहा है, जैसे यकृत में भी नहीं जा रहा है। तो पीताशय का भी अग्नाशय, अग्नाशय का भी काम है अग्नाशायिक रस यहाँ छोड़ देता है। ठीक, तो चलिए अग्नाशय पढ़ते हैं। यह हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होते हैं। देखा है कहाँ पे होता है, अमाशय जस्ट नीचे। इससे स्रावित होने वाली अग्नाशायिक रस भोजन में व्याप्त कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको इनके सरल रूप में परिवर्तन करता है। तो देख, कार्बोहाइड्रेट जो मुंह में थोड़ा सा पचा था और प्रोटीन जो पेट में पचा था अमाशय में, इसको फिर ये पूरी तरह से पचा देता है। पूरी तरह से नहीं, प्रोटीन और एक बार पचेगा छोटी छोटी आंत में, मतलब यहाँ पे और थोड़ा सा ही पच गया। ठीक, आंशिक रूप से पचा भोजन जब क्षुद्रांत में के निचले भाग में पहुँचता है, यानी वही छोटी आंत में, जहाँ आंत रस पाचन क्रिया के को पूर्ण कर देता है। तो छोटी आंत में भोजन गया उसके बाद, तो छोटी आंत में आंत रस निकलता है, वो कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा यानी ग्लूकोज में बदल देता है, वसा को वसा अम्ल में या ग्लिसरॉल में, तथा प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, यानी जितना भी चीज़ खाते हैं कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन सब का पाचन कम्प्लीट हो जाता है छोटी आंत में पहुँचने के बाद। ठीक, आगे है, रसांकुर की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतर रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक जाता है, यानी जो चीज़ पच गया वो रुधिर वाहिका यानी खून वाला खून से ब्लड से मिलकर के शरीर के अन्य भागों में स्थानांतरित यानी पूरा भाग में अंग में चल जाता है। यहाँ उसका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। स्वांगीकरण पिछला पार्ट में भी देखे थे, जो भोजन पच गया और उसको अवशोषित करता है रक्त, अवशोषित करके रक्त जो है पूरा शरीर में पहुंचा देता है, हाथ पर जहां भी है पूरा शरीर में पहुंचा देता है। भोजन तो पूरा शरीर में नहीं जाता है, भात तो खाली मुंह से पेट में गया, लेकिन पैर उर में भी तो एनर्जी की ज़रूरत है, ऊर्जा की ज़रूरत है। तो ये पचल वाला भोजन को ब्लड जो है लेकर के पूरा शरीर में जाता है, ठीक, जिससे कि अलग अलग क्रिया कर पाते हैं, उसको स्वांगीकरण कहते हैं। शरीर में विभिन्न भागों में अवशोषित भोजन का आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल होता है, जैसे एमिनो अम्ल से आवश्यकता अनुसार प्रोटीन बनता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर कार्बोहाइड्रेट तथा जल बनाता है ना, तो हर चीज़ का आवश्यकता जितना उतना उपयोग होता है। ठीक, ग्लूकोज ऑक्सीजन उपस्थित ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनाता है एवं ऊर्जा मुक्त करता है, जिससे हम एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। इसका उपयोग शरीर द्वारा विभिन्न कार्यों को करने में करते हैं। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता है, जो नहीं पचा अथवा अवशोषण नहीं होता है, वो बड़ी आंत में चल जाता है। तो भोजन का जो हम पाचन नहीं हुआ, जो चीज़ पचा नहीं, वो कहाँ चल जाएगा, कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में। ठीक, तो बड़ी आंत में देखते हैं क्या होता है, बड़ी आंत में चलिए अब जो नहीं पचा हुआ है ना, इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर है, बड़ी आंत की लंबाई। यह क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी होती है, चौड़ा होता है ना, और छोटी होती है, चौड़ी होती है लेकिन छोटी होती है क्षुद्रांत। क्षुद्रांत में देखे तो छोटी आंत 7.5 मीटर है, अरे 1.5 मीटर है ना। इसका मुख्य कार्य जल का अवशोषण, ती क्या करता है, खाली पानी का अवशोषण करता है, बाकी जो भी खनिज पदार्थ था प्रोटीन वसा विटामिन ये सब, उस सबका तो अवशोषण छोटी आंत में हो गया, और बाकी सब जो पानी बच गया उसका अवशोषण बड़ी आंत में होता है। अवशिष्ट पदार्थों को मलाशय में भेज दिया जाता है, और मलाशय में अवशिष्ट पदार्थ अर्ध ठोस मल के रूप में संग्रहित रहता है। समय समय पर यह मल गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, इस क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक, सुबह सुबह निकाल दिया जाता है ना नीले गगन के तले, ऐसे अब नीले गगन के तले ने अब तो मोदी जी सबको बाथरूम बना दिया है। तो आयवासन में पाचन कैसे हुआ, पूरा शरीर का पढ़ लिए, मुंह से जाते हुए जहाँ कहाँ कहाँ जाता है, कैसे कैसे बाहर चल जाता है, हो गया पूरा किस्सा ख़त्म। अब देखते हैं घास खाने वाले जंतु में पाचन कैसे होता है। ठीक, तो देख, क्या आपने घास खाने वाले जानवरों को चरते हुए देखा है, चरते हुए तो देखोगे क्या हुआ सब गायों को।
आपने देखा होगा कि गाय घास खाने के बाद लगातार अपने जबड़े को चलाते रहते हैं। तो एक चीज़ गौर किए होंगे, गाय को घास तो चर के आ गया घरे घरे खूट दिए बांध दिए, उसके बाद भी मुँह को चाबुड़ चाबुड़ चलाते रहते हैं। ये काहे को ऐसा करते हैं समझते हैं। मानो उसके उनके मुख गुहा में भोजन चबाया जा रहा है। गाय द्वारा लगातार भोजन के चबाने जाने की क्रिया को जुगाली कहते हैं ना, माने घरे लाने के बाद भी कोनो नहीं खा रही उसमें भी चकुड़ चकुड़ करते रहती है तो उसको जुगाली कहते हैं। घास खाने वाले जीवों का आमाशय विशेष प्रकार का होता है। तो घास खाने वाले जीव यानी गाय लोग का जो आमाशय थोड़ा अजीब रहता है, जो चार कक्षाओं में विभाजित होता है, चार चेंबर उसका चार कक्षा होता है। वास्तव में गाय पहले घास को जल्दी जल्दी निगल कर आमाशय के भाग में भंडारित कर लेता है। तो गाय क्या करती, पहले जल्दी जल्दी घास चरने भेज दिए तो जल्दी जल्दी घास को एकदम जल्दी जल्दी खाएगी और उस समय पूरा चबाती नहीं, उसको जमा कर लेती है आमाशय में, है ना। जानती है कि भैया किसी तरह छूटा मिला है, फिर मौका मिले ना मिले, इसीलिए एकदम जल्दी जल्दी खा के एकदम चबावन करती है और एकदम तनिकुन चबा के यहाँ पे पूरा इसमें जमा कर लेती है आमाशय में। तो जिसमें जमा करती है भोजन वहाँ को उसको रूमेन कहते हैं या प्रथम आमाशय कहते हैं। दो आमाशय इसका होता है ना। तो प्रथम आमाशय यानी रूमेन में घास को जमा कर देती है वो थोड़ा थोड़ा चबा के। उसके बाद फिर घर में जब खुट देते हैं तो वही वाला को फिर निकाल लेती है और मुँह में चबाती है बढ़िया से। उसके बाद फिर जब निकलती है तो वो दूसरा आमाशय में जाता है। ठीक, शुरू वाला आमाशय में ऐसे जमा करके स्टोर करके रखती है, उसको निकाल कर फिर चबाते रहती है घरों में। शाकाहारी भोजन करने वाले सारे जीव गाय भैंस बकरी आदि रूमिनेंट कहलाते हैं। रूमिनेंट यानी उसमें रूमेन होता है जिसमें भोजन को जमा कर लेती है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, मतलब थोड़ा सा पाचन होता है, जिसे जुगाल कहते हैं। बाद में रूमिनेंट जीव इसे छोटे पिंडों के रूप में पुनः मुख में लाता है यानी फिर से मुहुआ में लाता है उसको आमाशय से और चबाता है। इस प्रक्रम को रोमंथन या जुगाली करना कहते हैं, है ना। तो फिर से चबाते रहती है उसी को जुगाली कहते हैं। जुगाल को वापस निगलने पर यह आमाशय के दूसरे कक्षा रेटिकुलम में पहुंचता है। तो आबरी जो चबा के खाया अंदर से निकाल के जो चबाया तो वो चल जाता है दूसरा आमाशय में, है ना, जिसको रेटिकुलम कहते हैं, जहाँ भोजन का विखंडन होना है यानी भोजन का पाचन होना है। यहाँ से यह तीसरे कक्षा ओमेशन में पहुँचता है जहाँ ज़्यादातर पानी का अवशोषण होता है। फिर यह चौथा एबोमेशम में पहुँचता है जहाँ आमाशय के एंजाइम से मदद से भोजन का पाचन होता है। तो चार को भाग बताया आमाशय किसका, पहला भाग में भंडार करती है, उसको निकाल के खाती है बाद में जब जिसको खाने को नहीं मिलता उस समय, उसको फिर उसको डालती है तो दूसरा आमाशय में जाता है, इसमें थोड़ा स्पचता है, फिर तीसरा आमाशय में, फिर इसमें थोड़ा स्पचता है, फिर चौथा आमाशय में। ठीक, क्षुद्रांत और बृहदांत में अवशोषण होने के बाद अनपचित पदार्थ निष्कासित हो जाते हैं। इस प्रकार पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। तो यहाँ जाने के बाद वही फिर छोटी आंत बड़ी आंत इसमें भी होता है, वहाँ जाकर फिर उसको फिर बाहर आए बस। हाँ, अब ये देखिए का चीज़ कलर में, ज़रा सोचिए का सोचने का रहा सोचते हैं। सेलुलोज की मात्रा घास में बहुत ज़्यादा होती है, घास में बहुत ज़्यादा सेलुलोज होता है ना, जो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। मानव ये जंतु इसका पाचन क्यों नहीं कर पाते हैं, सोचने की बात है। बोल रहा है कि घास में सेलुलोज बहुत ज़्यादा होता है, जो सेलुलोज जो है एक प्रकार कार्बोहाइड्रेट है। तो मानव या अन्य जंतु इसका पाचन क्यों नहीं करता है। आदमी मैंने घास खाएगा, घास खाते हैं क्या आप लोग, नहीं खाते होंगे, घास खाइएगा पचबे नहीं करेगा, काहे नहीं पचा सकते, तो काहे नहीं पचा सकते। तो देखो कार्बोहाइड्रेट का पाचन हम लोग पढ़े थे कि मुँहुआ में खाली होता है, मुँहुआ में जो लार थोड़ा सा लड़बड़ा देते हैं उसी से हो जाता है और हल्का फुल्का लास्ट में होता है। तो मुँह में खाली पचता है, उसके बाद बीच में ना पेट में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है और ना और कहीं होता है, लास्ट में खाली नलीवा में छोटी आंत में जाने समय हल्का सा होता है, है ना। तो इसीलिए घास नहीं पचा सकते। घास को पचाने वाला अगर पेटों में रहता तो पेट में तीन चार घंटा रहता है भोजन, तो तीन चार घंटा में आसानी से उसको पचा देते, पच जाता। लेकिन खाली मुँहुआ में पचता है कार्बोहाइड्रेट। मुँह में कितने देर भोजन रखते हैं, मुँह में लेते हैं तो लड़बड़ा के फिर अंदर करिए देते हैं तुरंत, कौन मुँह में ले ले रहता है घंटा से, तो मुँह में तुरंत अंदर कर देते तो मुँह में भी टाइम नहीं मिला इसको पचने का। फिर ये नली में थी आइए रहा, ये रुकेगा थोड़े, तो यहाँ भी टाइम नहीं मिलता है, इसीलिए हम लोग नहीं पचा पाते हैं घास उसको। ठीक।
हाँ, इसका आंसर यहाँ पे भी दिया हुआ है। मानव शरीर शाकाहारी जंतुओं की तरह सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाता, क्योंकि उनका आत्म जीवाणु एवं सेल्यूलोज को पचाने के लिए जरूरी एंजाइम अनुपस्थित है, अनुपस्थित नहीं होता। तो इसको पचाने के लिए जो एंजाइम चाहिए, पाचक रस जो चाहिए, वो नहीं होता हम लोगों में। मनुष्य के शाकाहारी भोजन में व्याप्त सेल्यूलोज रोगक्षांश के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। तो मनुष्य जो खाते हैं शाकाहारी, तो उसमें थोड़ा जैसे खाते हैं साग, तो उसमें तो एक तरह का घास से समझिए, तो उसमें भी होता है सेल्यूलोज, है ना, लेकिन वो नहीं पचता, वो भोजन से बाहर निकल जाता है। ठीक, आगे देखते क्या है इधर। तो हाँ, ये वाला पोषण में, पोषण का परिवहन एवं श्वसन तंत्र से संबंध, पोषण जो भोजन जो किए उससे श्वसन तंत्र में क्या संबंध है उसको देखते हैं। मानो कि ये तीनों प्रणाली एक दूसरे के साथ परस्पर मिलकर कार्य संपन्न करते हैं। तीन प्रणाली की बात हुआ यहाँ, पोषण, परिवहन और श्वसन। पोषण कहते जो भोजन किए हैं अभी तक जो समझे वो सब पोषण था। परिवहन मतलब होता है ब्लड इधर उधर सर्कुलेट करके जो भी पचा उसको पहुँचाता है, परिवहन। और श्वसन, श्वसन मतलब जो सांस लेते हैं, है ना। तो ये सब बोल रहा है एक दूसरे पर निर्भर है ना, जिससे शरीर शरीर के कोशिकाओं को ऊर्जा मिल सके और वो अपनी दैनिक जीवन को प्रक्रिया कर सके। तो तीनों जरूरी है ना, एक ठो से काम नहीं हो, खाली खाने से नहीं होगा, परिवहन शरीर के सब अंगों में पहुंचना भी चाहिए, सांस भी जरूरी है ना। कोशिका तक ऊर्जा पहुंचाने के लिए पोषण तत्व जो हम अपने भोजन से ग्रहण करते हैं वो जटिल रूप में से सरल रूप में पाचन तंत्र द्वारा परिवर्तित होता है। यह क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित होकर रक्त कोशिकाओं में विसरित हो जाता है तथा संचार प्रणाली द्वारा शरीर के अन्य भाग तक तो पहुंच जाता है। मतलब भोजन किए उससे तो छोटी आंत में अवशोषण हुआ जो पच गया वो, और उससे फिर ब्लड लेकर के पूरा शरीर में परिवहन करता है। ठीक है, पोषक तत्वों के साथ साथ ऑक्सीजन का परिवहन के लिए भी संचार प्रणाली ही उत्तरदायी होती है। संचार प्रणाली यानी वही ब्लड हम लोग का संचार करता है ना, ब्लड ले जाता है। तो ऑक्सीजन सांस लेते हैं उसको भी सोचता है बहुत कोई कि सांसवा जो लेते हैं वो खाली फेफड़े तक सीमित रहता है, ये फेफड़ा में खाली आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सांस जो लेते हैं तो ऑक्सीजन भी पूरा शरीर में जाता है, पूरा शरीर, कोई भी ऐसा अंग नहीं जहाँ ऑक्सीजन नहीं जाएगा, है ना। तो ऑक्सीजन को भी पहुँचाता कौन है, तो रक्त, और खाएं उससे जो पचा उसको भी पहुँचाता है रक्त। तो नस चारों तरफ दिखते हैं ना बिछा हुआ जाल जैसा, तो वही नस द्वारा आता जाता है। ठीक है, बड़का नस से जाता है और छोटका नस से वापस आता है। ठीक, तो परिवहन खरी सबको डिटेल आगे जानना है, है ना। बस अभी समझिए कि खाली खाते हैं वो खाली पेट में नहीं जाता है, पूरा शरीर में जाता है उसका। सांस लेते हैं वो खाली फेफड़ा में नहीं जाता है, पूरा शरीर के कोशिका में जाता है, कोशिका में सब संपन्न होता है। और उसके लिए कौन उत्तरदायी, तो रक्त, है ना, उसी को यहाँ संचार प्रणाली कहा है। यह ऑक्सीजन श्वसन तंत्र की सहायता से ग्रहण किया जाता है एवं शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुँचता है। ठीक, हाँ, आगे देखिए। पोषण, पोषण, परिवहन एवं श्वसन तंत्र मुख्य कार्य अधिकांश खाद्य पदार्थ के पाचन एवं भोजन के पोषक तत्व एवं खनिजों का अवशोषण करना है। पोषण, परिवहन, श्वसन तंत्र, ये सब जो तंत्र है वो सबका काम वही पोषक तत्व का अवशोषण करना है। ये सब तो हो ही गया, खत्म कहानी इसका, है ना। मेन चीज़ यहाँ था पोषण कैसे करते, पोषण के बारे में अध्ययन करना, हल्का फुल्का श्वसन परिवहन आया उसको आगे चल के पढ़ना है डिटेल्स, है ना। तो सबको आगे देखेंगे डिटेल्स। यहाँ पे पोषण समझ में आ ही गया होगा कैसे होता है, एक बार देख लेते हैं इसमें हम क्या क्या सीखे। ठीक है, हाँ, पहला चीज़ सीखे जंतुओं में भोजन करने की विभिन्न विधि है। अलग अलग जंतु अलग अलग तरीके से खाते हैं। अमीबा भोजन अंतग्रहण से उत्सर्जन तक सभी क्रिया एक कोशिका द्वारा संपन्न होता है, क्योंकि उसके पास एक वो कोशिका होता है, हम लोग जैसा नहीं रहता है, हाथ पैर पेट मुंह दांत सब कुछ नहीं रहता उसका, है ना। बहुकोशिक जीव मानव में पोषण एवं पाचन तंत्र की जटिल प्रक्रियाएँ होती है, जो कि देखे पूरा है ना। मानव के दांत चार प्रकार का होता है, कृंतक, रदनाक, चवरनाक, अग्रचवनाक, सब प्रकार देखे। जीभ में स्वाद के लिए विभिन्न स्वाद कलिका होती है, स्वाद का अलग अलग कली होती है ना। आमाशय में पाचन पाचक रसों की सहायता से कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन सरल पदार्थों में विघटित हो जाता है यानी टूट जाता है। छोटी आंत में खाद्य पदार्थ का पाचन एवं पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है।
ठीक। उसके बाद घास खाने वाला का पढ़े थे काची। घास खाने वाली जंतु रोमंथी कहलाते हैं, मान जुगाली करते रहता है वे पत्तियों का अंतरण तीव्रता से करके, माने पत्ता घास उसको जल्दी जल्दी ले लेता है, निगल जाता है, परंतु कुछ अंतराल के बाद भोजन को पुनः मुख में पुनः वापस ला के उसको धीरे धीरे जुगाली करते रहता है। मानव पाचन तंत्र में देखिए मुख गुहा, ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत, ठीक है, उसके बाद मलाशय में समाप्त गुदम, है ना। मनुष्य पाचन तंत्र में मुख्य पाचक रस स्रावित करने वाली ग्रंथि है लार ग्रंथि, जो मुंह में था, है ना, यकृत और अग्नाशय, ठीक। अंतग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन मानव पाचन तंत्र के प्रक्रम है। तो मानव पाचन तंत्र में ये चीज़ें होती है, अंतग्रहण यानी मुंह में लेना, पाचन यानी पेट सब में पाचन जो होता है, फिर अवशोषण होता है, फिर स्वांगीकरण होता है माने ऊर्जा सब में मिलता है, फिर निष्कासन माने जो नहीं पचता उसको निकाल देते हैं। तो ये सारा चीज़ इस चैप्टर में पढ़े, ठीक। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो लाइक और कमेंट करना ना भूले, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए अभी क्वेश्चन आंसर नहीं करा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन आंसर वाला बुके नहीं मेरे पास, जैसे इसमें लिए थे पीडीएफ पहले बनाए, देख रहे हैं इसमें इतने ही है, आगे इतने ही क्वेश्चन ही नहीं है, तो कैसे बताएं, है ना। तो क्वेश्चन जैसे हमको बुक मिलता है, ट्यूशन से खुलेगा, उसके बाद स्टूडेंट सब आएंगे तो बुक मिलेगा, फिर क्वेश्चन आंसर सबका चैप्टर वाइज करा देंगे। अभी चैप्टर समझते चलिए, ऐसे अपने से भी आप क्वेश्चन ढूंढिएगा मिल जाएगा, या जितना समझा दिए हैं वही हिसाब से क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर।